Hello everyone. In previous video, we have completed the law of conservation of mass, law of definite proportion, as well as the law of multiple proportion. Now I am going to start with the next law, that is law of reciprocal proportions. Law of reciprocal proportion. As usual, prior to discussing its definition, what is the law, I am illustrating an example, and from example we can easily define its definition. How can we do that? But अब carbon and oxygen किस ratio में मिलते हैं हमें by mass? Definite proportion में discussion कर चुके हैं अपन. जो carbon and oxygen है वो 3:8 की ratio में मिलते हैं. कौन सी ratio में मिलते हैं? 3:8 की ratio में मिलते हैं by mass. Okay. नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन अमोनिया में किस रेशो में होते हैं? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन अमोनिया में होते हैं 14:3 की रेशो में. अब अगर ये रेशो अपन को किसी और लॉ से कंफर्म करनी है कि वास्तव में ये रेशो आती है, वास्तव में ये रेशो आती है, तो उसके लिए अपन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का यूज भी ले सकते हैं. कैसे? ठीक है, पहली बात, यहाँ पे एलिमेंट, आज तक जो लॉ अपन ने डिस्कस किए हैं, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास को छोड़ के लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, वहां पे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में क्या रहता है? दो एलिमेंट के एक ही कंपाउंड बनाते हैं, उसकी बात होती है. ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में दो एलिमेंट मिलते हैं, एक पर्टिकुलर कंपाउंड बनता है, और मल्टीपल प्रोपोर्शन में मल्टीपल पॉसिबल कंपाउंड्स की बात होती है और उनकी रेशियो निकाली जाती है. उनकी क्या निकाली जाती है बेटा? रेशियो निकाली जाती है. रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में एलिमेंट बढ़ाना है. जब एलिमेंट दो से ज्यादा की बात की जाएगी, इस बात को दिमाग में बिठा लेना बेटा, इन तीनों लॉज में कहीं ना कहीं कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है. डेफिनेट प्रोपोर्शन में दो एलिमेंट मिलके एक ही कंपाउंड बनाते हैं, मल्टीपल प्रोपोर्शन में दो एलिमेंट मिलके मोर देन वन कंपाउंड बनाते हैं, और जो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है इसमें एलिमेंट ही क्या होते हैं बेटा? थ्री होते हैं. क्या होते हैं? थ्री होते हैं. और ये लॉ है क्या सबसे पहले? ठीक है, एक मैं तीन एलिमेंट्स डिस्कस कर रहा हूं. ठीक है, मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट है हाइड्रोजन, इधर मेरे पास एलिमेंट है कार्बन, और इस साइड मेरे पास एलिमेंट है लेट अस टेक एज ऑक्सीजन. मेरे पास थ्री एलिमेंट है और मैंने उनको इन ट्राइंगुलर शेप में लिख लिया. इसका क्या मतलब है? कार्बन एंड हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करें, और कार्बन एंड ऑक्सीजन आपस में कंबाइन कर रहे हैं. ठीक है, तो आपने क्या करना है इस लॉ को समझने के लिए, रटने के लिए नहीं बेटा, समझने के लिए क्या करना है? ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट, सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड सोचना है. ठीक है, जब भी सोचना है आपने सिंपलेस्ट सोचना है जो आपके दिमाग में आ रहा है. ठीक है, तो एट टाइम मेरे दिमाग में मीथेन आ रहा है, दैट इज द CH4. मेरे दिमाग में क्या आ गया बेटा? मीथेन आ गया, दैट इज द CH4. अब इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहती है. पे हाइड्रोजन, यहां पे कार्बन, यहां पे ऑक्सीजन. कार्बन एंड हाइड्रोजन को मिलके मेरे पास जो सिंपलेस्ट कंपाउंड मेरे दिमाग में आ रहा है वो मैंने लिख दिया, दैट इज द मीथेन CH4. कार्बन एंड ऑक्सीजन को दिमाग में बिठा के मेरे पास जो कंपाउंड में आ रहा है मैंने लिख दिया CO2. क्या लिख दिया? CO2. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को मिला के मेरे दिमाग में जो सिंपलेस्ट कंपाउंड आ रहा है वो आ रहा है वाटर, जो कि मैंने लिख दिया यहां पे. लॉ क्या कहता है वो बात की बात है. पहले ये चीज समझ में आ गई, हमने सिंपलेस्ट कंपाउंड लिख दिए. ठीक है, अब हमें इनका मास तो पता ही है, बार बार बता रखा है कार्बन का 12 है, इसका 1 है, इसका 16 है. इसका क्या है बेटा? 16 है. सबसे पहले
आपको क्या करना है, कार्बन एंड हाइड्रोजन के मास की रेशो निकालना है. क्या निकालना है? कार्बन एंड हाइड्रोजन के मास की रेशो निकालना है. ठीक है, तो यहाँ पे रेशो क्या आ रही है, इस केस में रेशो आ रही है 12:4. ठीक है, यानी कि कार्बन एंड हाइड्रोजन की जो रेशियो है वो क्या आ रही है, 12:4. क्यों? क्योंकि कार्बन का मास है 12 और हाइड्रोजन का मास क्या है, 1. हाइड्रोजन 4 है तो रेशियो क्या आ रही है बेटा, 12:4. क्या आ रही है? 12:4 रेशियो आ रही है जी, 12:4. ठीक है, सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगी, 4 के टेबल से डिवाइड कर दो तो क्या आएगी, 3:1. आ गई. सिमिलरली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की रेशियो निकालो. हाइड्रोजन का मास 16U, ऑक्सीजन का मास 16U, हाइड्रोजन का 1U. कितना यू बेटा, 1U. तो रेशियो कितनी आ गई. ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं. हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, 2 हाइड्रोजन है. ठीक है, तो रेशियो आ गई 2:16. क्या आ गई बेटा, 2:16. तो जी रेशियो आती है किसकी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की रेशियो क्या आती है, 2:16. ठीक है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरे पास आती है 1:8. क्या आती है, 1:8. ध्यान इधर. अब यहां से अपने पास क्या सामने आ गया, इसको जरा देखते चलना. ठीक है, ये जो रेशियो आई, ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन की क्या आ गई, 12:4, और क्या आ गई बेटा, 3:1 आ गई. क्या आ गई, 3:1 आ गई. और ऑक्सीजन की क्या, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की क्या आ गई, 1:8 आ गई. क्या आ गई, 1:8 आ गई. यानी कि आपके पास जो कार्बन है वो कितने पार्ट आ गया, 3 पार्ट आ गया, और ऑक्सीजन कितने पार्ट आ गया, 8 पार्ट आ गया. ऑक्सीजन कितने पार्ट आ गया, 8 पार्ट आ गया. यानी इसकी रेशियो हमने निकाली नहीं, इसकी रेशियो हमने निकाली नहीं, एज इट इज ही हमारे सामने आ गए इनकी निकाल के. इसकी रेशियो हमने निकाली नहीं है. ठीक है, हमने रेशियो इसकी एंड इसकी निकाली है, कार्बन एंड ऑक्सीजन की. तो अभी रेशियो निकाली कहाँ है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एंड ऑक्सीजन की तो रेशियो अभी अपने निकाली नहीं. अगर कार्बन एंड ऑक्सीजन की रेशियो अपन ने निकाली ही नहीं, ठीक है, तो ये अपने आप आ गई. ठीक है, अब ये रेशियो क्या आ गई. ठीक है, निकालेंगे तो भी कितनी आएगी, कार्बन की कितना होता है, 12, ऑक्सीजन 1 है, 2 का कितना हो जाएगा, 32. ठीक है, तो 3:8 तो रेशो आ गई ना, 3 पार्ट 8 पार्ट. ये है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. अब इसको डिफाइन कैसे करना है, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा. जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स कार्बन एंड ऑक्सीजन, हियर आई एम टेकिंग, कंबाइनिंग विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर. जब दो डिफरेंट एलिमेंट, एक फिक्स्ड मास एलिमेंट, डिफरेंट फिक्स्ड मास एलिमेंट. अब मैंने फिक्स कैसे कर दिया, ठीक है, क्योंकि दोनों केस ले लो. ठीक है, इस केस में भी हाइड्रोजन 1 पार्ट है, इस केस में भी हाइड्रोजन 1 ग्राम है, या 1U है, या 1 पार्ट है. यानी कि हाइड्रोजन की अमाउंट दोनों केसेस में फिक्स रह रही है, इस केस में एंड इस केस में. जब कार्बन एंड ऑक्सीजन, व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग विद, किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं बेटा, फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट्स. व्हेन डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग विद द अदर फिक्स्ड मास एलिमेंट, किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं बेटा, फिक्स्ड मास एलिमेंट के साथ. ठीक है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन डिफरेंट एलिमेंट हैं और तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहे हैं, दे आर कंबाइनिंग विद द थर्ड एलिमेंट विच इज हैविंग फिक्स्ड मास, विच इज हैविंग फिक्स्ड मास. दे ऑलवेज बियर अ रेशियो. ठीक है, जो रेशियो है, दे ऑलवेज बियर अ रेशियो विच इज, ठीक है, विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू द रेशियो इन विच दे इटसेल्फ आर कंबाइनिंग, और द सिंपल होल नंबर मल्टीपल.
क्या कहना चाहता हूँ बेटा, जिस रेशियो में इनका कॉम्बिनेशन हो रहा है, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है, ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है, ठीक है। यहां से कार्बन एंड हाइड्रोजन की रेशियो आ रही है 3:1 एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की रेशियो आ रही है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की आ रही है 1:8, क्या आ रही है बेटा 1:8, ठीक है। यहां से अपने पास अगर मैं ये कहूं, इससे कार्बन एंड ऑक्सीजन की रेशियो क्या आ जाएगी 3:8, कैसे आएगी, ठीक है, इससे नहीं, इससे वो कैसे आएगी, थ्री टू एट रेशियो आ जाएगी बेटा, कौन सी रेशियो आ जाएगी, 3:8 रेशियो आ जाएगी किसकी, अब व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग विद अ फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट्स, आर कंबाइनिंग विद अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, दे ऑलवेज डू इन सिंपल रेशियो विच इज एग्जैक्टली और सिंपल होल नंबर मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन विच दे आर एक्चुअली कंबाइनिंग, जो इसका है या तो एग्जैक्टली आ जाएगा, जैसे इस केस में एग्जैक्ट आ गया, या क्या आ जाएगा, सिंपल होल नंबर रेशियो आ जाएगा। तो यहां से लॉ को डिफाइन कैसे करेंगे, व्हेन टू एलिमेंट्स, टू डिफरेंट एलिमेंट्स इसी को देखते चलना, व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन्स विद द थर्ड एलिमेंट ऑफ अ फिक्स्ड मास, ठीक है, दो डिफरेंट एलिमेंट है, थर्ड फिक्स्ड एलिमेंट मास, फिक्स्ड मास वाले एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहे हैं, क्योंकि रेशियो के हिसाब से मास क्या आ रहा है बेटा, फिक्स आ रहा है, व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन्स विद द थर्ड एलिमेंट ऑफ फिक्स्ड मास, थर्ड एलिमेंट्स ऑफ अ फिक्स्ड मास, दे बियर अ रेशियो विच इज इक्वल टू और सिंपल मल्टीपल ऑफ रेशियो व्हेन दे आर कंबाइनिंग विद ईच अदर, जब अपने साथ कंबाइन कर रहे हैं जो रेशियो आएगी, ठीक है, जब वो सेपरेटली कार्बन सेपरेटली इसके साथ कंबाइन किया, ऑक्सीजन सेपरेटली इसके साथ कंबाइन किया, यहां से जो कार्बन एंड हाइड्रोजन की रेशियो है, ऑक्सीजन की रेशियो है बेटा, ठीक है, यहां से जो कार्बन एंड ऑक्सीजन की रेशियो है वो इक्वल आएगी या सिंपल होल नंबर सिंपल मल्टीपल आएगा किसका बेटा, जब ये आपस में कंबाइन करते हैं, ये है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, कौन सा लॉ, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट है बेटा गेलियुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, गेलियुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, गेलियुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। अब इस लॉ में क्या है, थोड़ी सी लाइट की दिक्कत होगी होगी बेटा, एडजस्ट कर लेना, लाइट चली गई है तो वेट फॉर अ मिनट। अब इसमें क्या है बेटा गेलियुसेक्स लॉ में, ठीक है, सबसे पहले गैसेस कंसीडर करो, हाइड्रोजन प्लस Cl2 क्लोरीन भी गैस है, इनको रिएक्ट करवाओ, गैस ही बननी चाहिए, कोई ऐसी रिएक्शन लेनी है जिसमें गैस ही बने, ठीक है, बैलेंस करेंगे तो 2 आ जाएगा। सिमिलरली नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, बनेगा अमोनिया, क्या बनेगा
अमोनिया बनेगा, तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब इनका जो यहाँ पे है, ठीक है, कॉफिशियंट्स, उनकी रेशो लो, इसके यहाँ पे क्या है 1, इसके यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 2, 1 1 2, 1 3 2, 1 3 2, ठीक है। अब इसको मैं लिख रहा हूँ वॉल्यूम, इसको मैं लिख रहा हूँ वॉल्यूम, इसको मैं लिख रहा हूँ वॉल्यूम, इसको लिख रहा हूँ वॉल्यूम, इसको लिख रहा हूँ वॉल्यूम, इसको लिख रहा हूँ वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या मतलब है, वॉल्यूम गैस को हम वॉल्यूम में मेजर करते हैं, ठीक है। अगर ये 1 लीटर है तो ये भी 1 लीटर है, तो ये कितने लीटर है, 2 लीटर है। अगर ये 100 ml है तो ये कितना ml है, 300 ml है, क्योंकि हेयर वी आर टेकिंग 3 वॉल्यूम्स, हाउ मच वॉल्यूम्स, 3 वॉल्यूम्स। अगर ये 100 ml है, ये 300 ml है, तो ये कितना है, ये 200 ml है, कितना है बेटा, 200 ml है, ठीक है। ये 1 लीटर है, ये 500 ml है, ये 500 ml है, तो ये कितना ml है, 1000 ml है, ठीक है। तो यही ये लॉ है, ठीक है। अब इन वॉल्यूम्स की रेशियो लो तो क्या आएगी, 1:1:2, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगी, 1:3:2, इसका क्या मतलब है, सिंपल होल नंबर रेशियो आई है, कौन सी रेशियो आई है, सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक है। तो यही लॉ है बेटा, ये जो क्या कहना चाहता है, जब गैसेस रिएक्ट करती हैं एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस, जब गैसेस रिएक्ट करें गैसेस ही बने, जब गैसेस रिएक्ट करें गैसेस ही बने, दे डू सो इन वॉल्यूम्स, और वो करते कैसे हैं, ये सब वॉल्यूम्स में करती हैं, ठीक है। तो उनकी वॉल्यूम्स की जो रेशियो होती है वो सिंपल होल नंबर रेशियो होती है, उनके वॉल्यूम्स की जो रेशियो होती है वो सिंपल होल नंबर रेशियो होती है, ठीक है। तो यहीं से मैं इसको डिफाइन कर देता हूं, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर, व्हेन गैसेस रिएक्ट्स, व्हेन गैसेस रिएक्ट्स टू फॉर्म गैसेस, प्रोडक्ट भी क्या बनना चाहिए बेटा, गैसेस, दे डू सो इन वॉल्यूम्स, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स की रेशियो, ठीक है, 1 volt 1 volt 2 volt 1 volt 3 volt 2 volt, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम इन विच, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम इन विच दे आर कंबाइनिंग एंड फॉर्मिंग, कंबाइन कर रही हैं, फॉर्म कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, इज सिंपल होल नंबर रेशो। क्या आती है बेटा, सिंपल होल नंबर रेशो आता है। तो कल के वीडियो में स्टार्ट करेंगे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, कौन सी थ्योरी बेटा, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, एंड दिस वाज ऑल अबाउट द लॉज, ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।